सीहोर जिले के सलकनपुर स्थित विजयासन देवी मंदिर में बीते दिनों चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस ने दो आरोपी चोर को गिरफ्तार किया था। साथ ही चोरी के पैसे भी बरामद किए थे। मंदिर में हुई चोरी की घटना के बावजूद भी मंदिर में रखे पैसे और सोने चांदी के जेवरात को मंदिर समिति ने बैंक में जमा नहीं करवाया है। इसी को लेकर बुधनी विधानसभा के पूर्व विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार सिंह पटेल कांग्रेस नेताओं के साथ भोपाल संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने नवगठित समिति बनाकर जिला प्रशासन मंदिर में रखे पैसों की गिनती कर बैंक में जमा किए जाने की मांग की। सलकनपुर मंदिर में 15 तारीख को चोरी हुई और सरकार का दावा है और हमने अखबारों में भी पढ़ा कि चोर पकड़े गए हैं। जो 6 बोरियां चोरी गई थी उनमें से 4 बोरियों के पैसे 2 बोरियों में करके लगभग 2 बोरियों में 10 लाख से ज्यादा रुपए की राशि वहां पर जब्त की, ऐसा पुलिस का दावा है।